students, today we are continue our chapter 7, Nature and Us from Geography. We have already discussed about the environment and nature and how we despoil the nature by the human activities. These activities as deforestation, killing animals, pollution, जो कि आपको पता है कि हम पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. पॉल्यूशन, काइंड ऑफ पॉल्यूशन, मीन्स सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन. ओके, नाउ वी हैव टू चेंज द एनवायरमेंट. हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं, ठीक है. हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं. जब हमने स्पॉइल किया है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर नेचर. ओके, टू सेव आवर फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू सेव आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को क्यों सेव करना है या कैसे सेव करना है या किन जानवरों को सेव करना है, ये भी आपको पता होगा कि आप जैसे आप सुने हो कि टाइगर्स जो हैं एक्सटेंट हो रहे हैं, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुके हैं. वल्चर्स इंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुके हैं, ठीक है. स्पैरो आपको लोकल अभी कम्युनिटीज़ में नहीं दिखने को मिल जाएंगी. तो ये जो चीज़ें हैं जो इंडेंजर्ड, ये जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, क्योंकि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इनके वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो इनके घर हैं, जो इनके रहने की जगह है, जिनके हैबिटेट्स हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है. और हमें इन्हें सेव करने के लिए, जब इनके हैबिटेट ख़त्म हो रहे हैं, तो हमने नेशनल पार्क्स बनाया, बर्ड सैंक्चुरीज बनाई हैं, उनको सेव करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट भी लेता है कि हमें इसको नेशनल पार्क बनाना है या कोई सैंक्चुरी बनाना है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनानी है, ठीक है, या बायोडाइवर्सिटी ऐसा कुछ वो पार्क बनाते हैं जिसमें इन एनिमल्स को किल करना या हंटिंग करना बैंड होता है, टोटली बैन होता है. वहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है. हम किसी ऐसे एनिमल्स लाइक आपका टाइगर हुआ, लॉयन हुआ, चिंकारा हुआ, डॉल्फिन्स हुए, ये वाटर की बात हो रही है कि वाटर डॉल्फिन की बात हो रही है, सर्टेन टाइप ऑफ बर्ड्स, मतलब जितनी चीज़ें हैं, अगर कहीं पे हमने कोई एक ऐसा लीगल कोई रूल्स या लॉ बना लिया है कि इनको क्या करना है, इनकी हंटिंग नहीं करनी है, गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वहाँ पे ह्यूमंस भी इतने अलाउड नहीं होते हैं. जो होते हैं वो वहीं पे काम करने वाले होते हैं. और अगर कभी वाइल्ड लाइफ सफारी के बारे में आप जानते हो तो वहाँ सिर्फ लोगों को बिना किसी हथियार के जाने दिया जाता है कि आप सिर्फ कैमरा या कुछ अलाउ होता है कि वहाँ पे जाके आपको हंटिंग नहीं करना है और पॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है. जो नेचर को सेव करने वाली चीज़ें, एकदम नेचुरल चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी तरह बैन होती हैं वहाँ पे. ओके, तो ये जो एनिमल्स का नाम मैंने बोला, ये और भी बहुत ढेर सारे हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुके हैं और कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है. तो इन वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट लाइफ को बचाना है हमें, ठीक है. हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट ने रूल बनाया तो हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है. प्रॉपर जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये हमारी वाइल्ड लाइफ ऐसे ही ख़त्म होती रहेंगी, ऐसे ही एनिमल्स ख़त्म होते रहेंगे, ठीक है. तो इसको सेव करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट थिंग इज़ रिड्यूस पॉल्यूशन. हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, सबको पता है कि हम पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बट कोई उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है. आपको पता है कि आपको गार्बेज कैसे वेस्ट कैसे फेंकना है, किन चीज़ों को आपको ड्रेनेज में नहीं डालना है, ठीक है, किन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो हम पॉल्यूशन कम होगा, बट फिर भी हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं. बट हमें ये चीज़ें करनी चाहिए. हमें अगर हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या पॉल्यूशन और इसके इन फ्यूचर्स जो इनके हानिकारक चीज़ें हैं, जैसे ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल हैं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज़ें कैसे बहुत ज़्यादा ही उनको अफेक्ट करेंगी, हमें खुद अभी इस टाइम में आप अफेक्टेड हो रहे हो. सोचो कि जब वो चीज़ें जब नहीं रहेंगी तो क्या होगा, ठीक है. जैसे वाटर रिसोर्सेज है, ख़त्म हो जाएंगी. हम अगर पॉल्यूट ऐसे ही करते रहेंगे, वैसे ही आपका वाटर का परसेंटेज इतना कम है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें को हमें सेव करना है. गवर्नमेंट ने बहुत ढेर सारे रूल्स बनाए, जैसे आपकी बुक में लिखा है रिड्यूस पॉल्यूशन, सम स्टेप टू रिड्यूस पॉल्यूशन कैन ओनली बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, अदर कैन बी टेकन बाय ऑल ऑफ अस. कुछ रूल्स हैं गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बट हमें उन्हें फॉलो करना है. कुछ स्टेप्स हैं जो हम भी फॉलो करके चीज़ें बचा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूनिसिपलिटी. म्यूनिसिपलिटी का काम क्या होता है कि म्यूनिसिपलिटी और
एंड इंडस्ट्रीज शुड क्लीन वेस्ट वाटर बिफोर अलाउिंग इट टू फ्लो इन टू वाटर. इनका काम क्या होता है कि जैसे म्यूनसिपलिटीज़ होता है कि आपने देखा होगा कि ड्रेनेज जो सीवर होता है उसको साफ करते हैं या कूड़ा ले जा रहे हैं. इनका क्या काम होता है कि पहले थ्रो करने से पहले जितनी चीज़ें रिसाइकिलिंग वाली हैं उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है. या एफ्लुएंट है अगर लिक्विड है, लिक्विड कूड़ा जैसे होता है ऐसी चीज़ें, तो उसको पहले उसमें से सारे जो हानिकारक चीज़ें हैं मतलब जो वेस्ट और चीज़ें हैं कि जो डिग्रेड नहीं होंगी उनको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है. उससे पहले निकालते हैं जब हम रिवर में उसको फेंक रहे हो या लेक्स में फेंक रहे हो, उससे पहले ही उनको एक ट्रीटमेंट दे दी जाती है जो उसमें से सारी चीज़ें जो हानिकारक है जो केमिकल्स हैं वो सारी चीज़ें निकाल के डाली जाएं. इफ़ वी स्टॉप्ड थ्रोइंग गार्बेज इनटू ड्रेन वी शुड रिड्यूस द वर्क दैट म्यूनिसिपलिटीज हैव टू डू. बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इसमें कि हम उन गार्बेज को ड्रेनेज में फेंके ही नहीं, सीवर में फेंके ही नहीं. जैसे आप कभी अपने लोकल जगहों पर ऐसे आपको दिख जाएगा आसपास ही कि लोग ड्रेनेज क्या होता है नालियों में भी उसमें कूड़ा कचरा डाल देते हैं, वो नहीं डालना चाहिए. इससे म्यूनिसिपलिटी का भी काम हल्का होगा कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझ में आएगी. तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो हमें भी लेने चाहिए.